हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2019 में भारत में पहली बार क्या हुआ, जैसे भारत का पहला कचरा कैफे, भारत में पहला किन्नर विश्वविद्यालय, भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन, ये सभी क्वेश्चन, साथ ही साथ 2019 में भारत 2019 में पूरी दुनिया में पहली बार क्या हुआ, जैसे दुनिया का पहला देश जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया, दुनिया का पहला देश जिसने गाफा टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, दुनिया का पहला देश जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, ये सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये है इसका पार्ट वन। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन 2019 के कवर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं, जो कि है TCS पैटर्न पर आधारित स्पेशल करंट अफेयर्स की मैगजीन RRB NTPC और ग्रुप डी परीक्षा के लिए, जिसमें आपको पिछले 1.5 साल के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी मैगजीन है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज, यानी कि योजनाएँ, पुरस्कार, खेल, नियुक्तियाँ, चर्चित महिलाएँ, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, 2019 में पहली बार क्या हुआ, ये सभी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिल जाएंगे। तीसरी को मैगजीन है करंट अफेयर्स की ईयरली, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जिसमें आपको 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और इन सभी मैगजीन्स का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन्स हैं PDF फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी ईमेल पर पहुँच जाएंगी। आप इन मैगजीन्स को गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम की सहायता से भी इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आपका इन मैगजीन्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात राज्य के लोथल शहर में। इसको बनाने में भारत की मदद करेगा पुर्तगाल देश। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात राज्य के लोथल शहर में बनाया जाएगा, जो कि पुर्तगाल देश की मदद से बनाया जाएगा। गुजरात का जो गांधीनगर जिला है, ये गुजरात राज्य का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। संग्रहालय को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम। और भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बना है पांडिचेरी में। भारत का पहला आयल म्यूजियम बना है गुवाहाटी असम में। भारत का पहला आर्किडेरियम बना है मेघालय में। भारत का पहला स्पेस म्यूजियम बना है हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला मकड़ालय बना है जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला इंसेक्ट म्यूजियम बना है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारत का पहला संगीत संग्रहालय बना है तिरुवैयारू तमिलनाडु में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम बना है गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। ये सभी हैं म्यूजियम जो कि 2019 में भारत में पहली बार बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो भूत विद्या कोर्स यानी कि भूत प्रेत से रिलेटेड कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में अगले साल से 6 महीना का एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ये पढ़ाया जाएगा कि उन लोगों का इलाज कैसे किया जाए जो लोग दावा करते हैं कि उन पर भूत प्रेत का साया है, जिसमें मेनली साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आपको याद रखना है, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जिसने भूत विद्या से रिलेटेड कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है, ये है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU की स्थापना की गई थी 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। ये क्या चीज़ है, तो हज यात्रा पर जाने के लिए जो पिलग्रिम्स होते हैं उनके लिए जितना भी प्रोसेस है अब डिजिटल कर दिया गया है, जैसे वीज़ा की जगह पे ई वीज़ा, फ्लाइट्स बुकिंग के लिए ई बुकिंग, वहाँ पर रहने के लिए जो हॉस्टल है उसको ई हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि पूरी जो अब जानकारी है, पूरा जो प्रोसेस है डिजिटली होगा भारत में हज जाने के लिए। जो हज है ये इस्लाम धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो कि सऊदी अरेबिया के मक्का में स्थित है। सऊदी अरब जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, जिसकी राजधानी है रियाद, यहाँ की मुद्रा है रियाल, सऊदी अरब देश के वर्तमान में क्राउन प्रिंस यानी कि राजकुमार हैं मोहम्मद बिन सलमान। जो सऊदी अरेबिया देश है, ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सदस्यता पाने वाला अरब देशों का पहला देश बना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, FATF की सदस्यता पाने वाला सऊदी अरेबिया जो देश है अरब देशों में पहला देश बना है।
अगला क्वेश्चन है, ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला भारत का पहला स्टेशन कौन बना है? तो ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जो ईट राइट स्टेशन है इस टैग ये दिया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके एक कैंपेन के द्वारा जिसका नाम है ईट राइट इंडिया अभियान ईट हेल्दी ईट सेफ। इसी कैंपेन के तहत दिया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का टैग। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 2011 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन है रीता थियोटिया। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद रखना है, जो रेलवे स्टेशन पर फ्री में वाईफाई दिया जाता है तो सबसे पहले जो फ्री वाईफाई इंस्टॉल किया गया था ये इंस्टॉल किया गया था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रेलवे स्टेशनों पर फ्री में वाईफाई दिया जाता है इसको इंस्टॉल करने वाली कंपनी कौन है? तो ये फ्री वाईफाई इंस्टॉल किया जाता है गूगल इंडिया कंपनी तथा रेलवे की एक संस्था है जिसका नाम है रेल वायर। तो रेल वायर तथा गूगल इंडिया की मदद से स्टेशनों पर फ्री वाईफाई लगाया जाता है और अब तक की भारत के 5,500 से ज़्यादा स्टेशनों पर फ्री वाईफाई दिया जा चुका है। इसके अलावा आपको दो क्वेश्चन और याद रखना है, भारत का 100% सोलर पावर से चलने वाला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी असम और भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना है वडोदरा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली HAM परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? HAM जिसका पूरा नाम है हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड एक परियोजना है ये शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में कहाँ? तो उत्तराखंड के हरिद्वार जिला के सराय गांव में भारत की पहली हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल यानी कि HAM परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा जगत में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए मार्केज फिल्म महोत्सव में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी कौन बनी है? तो मार्केज फिल्म महोत्सव में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी बनी है प्रियंका चोपड़ा। जो मार्केज अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये मोरक्को देश का एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, इसी में प्रियंका चोपड़ा सम्मानित होने वाली भारत की पहली सेलिब्रिटी बन गई हैं। अब आपको भारत से 4 फिल्म महोत्सव के नाम याद रखने हैं और यहाँ से मेनली एग्जाम में पूछा जाता है इनके फोकस कंट्री। पहला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 जो कि आयोजित किया गया गोवा राज्य में, इसमें फोकस देश था रूस। दूसरा है केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसमें फोकस देश था चीन। तीसरा है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसमें फोकस देश था जर्मनी। चौथा है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसमें फोकस देश था ईरान। ये 4 फिल्म महोत्सव आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल जिसका नाम है अवनगार्ड इसको किस देश ने तैनात किया है या किस देश ने बनाया है? तो दुनिया की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल जिसका नाम है अवनगार्ड इसको बनाया गया है रूस देश के द्वारा। ये जो अवनगार्ड नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 27 गुना तेज होगी और ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को भी सह सकती है। इतना ही नहीं, जो अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है ये वायुमंडल में काफ़ी ऊंचे तक जाकर उड़ेगी जिससे कि इसको कोई भी एंटी मिसाइल नुकसान भी नहीं पहुँचा सकेगी। तो आपको याद रखना है दुनिया की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल जिसका नाम दिया गया है अवनगार्ड इसको बनाया है रूस देश ने। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली विजिटा डोम ट्रेन चली है आपको बताना है इसका नाम क्या है? तो देश की पहली जो विजिटा डोम ट्रेन चली है इसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस जो कि कालका से शिमला के बीच चली है। विजिटा डोम ट्रेन का मतलब क्या होता है? विजिटा डोम ट्रेन का मतलब है पारदर्शी छत वाली ट्रेन, यानी कि इस ट्रेन में जो छत होती है शीशे की बनी होती है जिससे कि जो यात्री हैं आसमान के नज़ारे का भी लुत्फ़ उठा सकें। तो आपको याद रखना है भारत की पहली विजिटा डोम ट्रेन चलाई गई है पारदर्शी छत वाली ट्रेन जिसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस जो कि कालका से शिमला के बीच चलाई गई है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो भारत का पहला यूनिवर्सिटी खोला जाएगा ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में और इसको खोलने वाली संस्था है अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट। इसी के द्वारा भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में खोला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने किस स्टेशन पर भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया है? तो ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया है नासिक रेलवे स्टेशन पर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1500 से अधिक पौधे लगाए गए हैं जिससे कि यात्री स्वच्छ और साफ ऑक्सीजन का लुत्फ उठा सकें। यही है ऑक्सीजन पार्लर, जो कि सबसे पहले नासिक रेलवे स्टेशन पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला क्वेश्चन, मिलिट्री स्पेस फोर्स को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो मिलिट्री स्पेस फोर्स को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अमेरिका। इसमें क्या होगा, इसमें जो अमेरिका देश है अपने सैनिकों को अंतरिक्ष में भेजेगा ताकि जो उसके सैटेलाइट हैं या फिर अन्य दूर संचार संबंधी यंत्र हैं उनकी सुरक्षा हो सके। तो यही है मिलिट्री स्पेस फोर्स, जिसको अमेरिका देश के द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का जो संघीय संचार आयोग है, जिस प्रकार से भारत में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए संस्था है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी प्रकार से अमेरिका में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए संस्था है संघीय संचार आयोग, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि FCC की पहली महिला CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन बनी है? तो संघीय संचार आयोग जो कि अमेरिका का है, इसकी पहली CTO बनी है डॉक्टर मोनिका घोष। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर मोनिका घोष। और जो FCC है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, इसके अध्यक्ष भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजीत पाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है अफगानिस्तान। इसका मतलब क्या है, तो भारत में एक संस्था जिसका नाम है इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक ऑटोनोमस संस्था है जिसका मुख्यालय है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत में जितनी भी ड्रग्स होती हैं जिनका मैन्युफैक्चर किया जाता है या बेची जाती हैं या फिर कंज्यूम की जाती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स तैयार करता है, यानी कि उनके लिए एक मानक तैयार करता है। तो इस मानक की जो है इंडियन फार्माकोपिया मानक की जो अब दवाएँ हैं अब ये अफगानिस्तान देश में भी मैन्युफैक्चर की जाएंगी, कंज्यूम की जाएंगी तथा बेची जाएंगी, इसी का नाम दिया गया है भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अफगानिस्तान बना है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला उपग्रह जिसका नाम है ETRSS को लॉन्च किया है? तो ETRSS नाम का जो पहला उपग्रह है ये लॉन्च किया गया है इथियोपिया देश के द्वारा। ETRSS का पूरा नाम है इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये लॉन्च किया गया है चीन देश की मदद से। जो इथियोपिया देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा। इथियोपिया देश की मुद्रा है बिर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अबे अहमद। अबे अहमद को इस साल 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। अब आपको चार देशों के नाम याद रखना है जो कि इस साल 2019 में स्पेस में पदार्पण किया है, एंट्री किया है, कौन कौन से देश, इथियोपिया, सूडान, श्रीलंका और नेपाल। इथियोपिया देश का पहला सैटेलाइट है ETRSS फर्स्ट, सूडान देश का पहला सैटेलाइट है SRSS फर्स्ट। जिन इन दोनों देशों के जो सैटेलाइट हैं इनको लॉन्च किया गया चीन देश की मदद से। श्रीलंका देश का पहला सैटेलाइट है रावणा फर्स्ट, नेपाल देश का पहला सैटेलाइट है नेपाली सैट फर्स्ट। इन दोनों देशों के जो रॉकेट सैटेलाइट है इनको लॉन्च किया गया है अमेरिका देश की मदद से। भारत का पहला जो सैटेलाइट था जिसका नाम था आर्यभट्ट, जिसको लॉन्च किया गया था 1975 में रूस देश की मदद से। क्वेश्चन नंबर 15 है, $100 बिलियन बाजार पूंजी का आंकड़ा पार करने वाली भारत की पहली बैंक कौन बनी है? तो 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की पहली बैंक बनी है HDFC बैंक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि $100 बिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है, तो उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी बनी है टाटा कंसल्टेंसी, अब तीसरी बनी है HDFC कंपनी जो कि एक बैंक है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी कंपनी या भारत की पहली बैंक कौन बनी है, तो उत्तर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इसके CEO हैं आदित्य पुरी और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है, देश में पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य में। इसमें क्या होगा, तो तमिलनाडु राज्य का जो चेन्नई कारपोरेशन है, चेन्नई महानगर निगम है, इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.madraswasteexchange.com। इस वेबसाइट पर जाकर कोई व्यक्ति अपना जो ठोस अपशिष्ट है, कूड़ा कचरा है, इसको बेच सकता है और खरीद सकता है। यही है भारत का पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल जो कि तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक विमान का सफल परीक्षण किस देश में किया गया? तो दुनिया के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक विमान का सफल परीक्षण किया गया है कनाडा देश में। यहां से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, अभी नासा ने भी पहला X-57 मैक्सवेल नाम का इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया था, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है। तो आपको याद रखना है, नासा ने भी एक पहले इलेक्ट्रिक कमर्शियल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की सफल परीक्षण किया जिसका नाम रखा है X-57 मैक्सवेल, जो कि कमर्शियल नहीं है। लेकिन जो कनाडा देश ने पहला इलेक्ट्रिक विमान का सफल परीक्षण किया है, ये एक कमर्शियल इलेक्ट्रिक विमान होगा। अगला क्वेश्चन, 150 रणजी मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 150 रणजी मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं वसीम जाफर। रणजी मैच जो कि भारत का एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रणजी खेलने वाले, 150 रणजी मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर वसीम जाफर। अब आपको भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप। इस साल 2019-20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी को जीत लिया कर्नाटक की टीम ने, दलीप ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया रेड की टीम ने, देवधर ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया बी की टीम ने, रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य में जारी किए गए हैं? तो ये जारी किए गए हैं हरियाणा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जिनकी पार्टी है बीजेपी, और हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जिनकी पार्टी का नाम है जेजेपी। जेजेपी का पूरा नाम है जननायक जनता पार्टी, और इसको हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हरियाणा राज्य की स्टेट पोलिटिकल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क शुरू किया गया है मुंबई शहर में। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर उड़ने वाले स्थली तथा जली पक्षियों की 60 से अधिक विदेशी प्रजातियों को तथा 500 से अधिक विदेशी पक्षियों को रखा गया है, और यहाँ पर 200 से अधिक प्रजातियों के पेड़ और पौधे को लगाया गया, इसी का नाम दिया गया है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क जो कि मुंबई शहर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस शहर में शुरू हुई है? तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन शुरू की गई है कोलकाता शहर में। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन, ये जो ट्रेन है हुगली नदी के किनारे नीचे चलती है, ऊपर हुगली नदी बहती है और उसके नीचे ये ट्रेन चलती है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट किस शहर में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट शुरू किया गया है मुंबई शहर में। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। ई कचरा का मतलब क्या होता है, जो हमारा मोबाइल, लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है उसको ख़राब होने के बाद जो भी उसमें सामान बचता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग के लिए एक नया टाइप का क्लिनिक खोला गया है जिसका नाम दिया गया है ई कचरा क्लिनिक, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला कचरा कैफे गार्बेज कैफे किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में, अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर गरीब और बेघर लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले खाना दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति
एक किलो प्लास्टिक लाके इनको देगा तो उसको भरपेट खाना देंगे, अगर आधा किलो प्लास्टिक लाके देगा तो उसको नाश्ता करवाएंगे। यही है भारत का पहला गार्बेज कैफे जो कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम द्वारा खोला गया है। अगला क्वेश्चन, कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन बना है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी खोला जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय के द्वारा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय खोला जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई के लिए पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ाई के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश में, यूएई देश की राजधानी अबू धाबी में, जिस विश्वविद्यालय का नाम होगा मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना है वडोदरा गुजरात में, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनेगा मणिपुर राज्य में, दुनिया का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया गुजरात के सूरत शहर में। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है केरल के कोत्तूर में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाथियों के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है जहाँ पर महावत प्रशिक्षण केंद्र, महावत को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ हाथियों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा और यहाँ पर बूढ़े तथा बीमार और घायल हाथियों को रखा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ बना है, हाथियों के लिए हॉस्पिटल कहाँ बना है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। मथुरा से लोकसभा सांसद हैं हेमा मालिनी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल के कोझिकोड शहर में। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में, जहाँ पर बुजुर्गों के लिए मनोरंजन कक्ष होगा, डॉक्टर कक्ष होगा, इंडोर गेम्स होगा, म्यूजियम कॉर्नर होगा तथा सभी समाचार पत्र होंगे, जिससे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको पढ़ के उनके साथ टाइम व्यतीत कर सकें, जो कि खोला गया है लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संगीत संग्रहालय यानी कि म्यूजिक म्यूजियम कहाँ बना? तो ये बनाया गया है तिरुवैयारू तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क बनाया गया है टुंडूरू गांव में, जो कि पश्चिम गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एक्वा मेगा फूड पार्क का काम क्या होगा? तो यहाँ पर विशेष रूप से मछली तथा समुद्री उत्पादन के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। जो मेगा फूड पार्क है इसको बनाने वाली मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसकी लोक मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि भतिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, फियांग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बना है? तो आपको बताना है कि फियांग गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फियांग गांव जो कि भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बना है, यह मणिपुर राज्य का एक गांव है। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस शहर में बना है? डॉल्फिन जो कि एक मछली का नाम है, जो गंगा डॉल्फिन है, ये भारत का राजकीय जली पशु भी है, जली जानवर भी है। तो एशिया का पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये बनाया गया है बिहार के पटना शहर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले स्पेस पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो भारत का पहला जो स्पेस पार्क है ये बनाया जाएगा केरल राज्य में, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला डिजिटल गार्डन बना है? तो देश का पहला डिजिटल गार्डन बना है केरल राज्य में। इसमें क्या होगा, तो यहाँ इस गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे होंगे उन पर एक QR कोड लगा होगा, आप इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके उस पेड़ की प्रजाति क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका बोटेनिकल नाम क्या है, उसका प्रचलित नाम क्या है, उस पर फल कब लगेंगे, उस पर फूल कब लगेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस QR कोड से मिल जाएगी। इसी का नाम दिया गया है डिजिटल गार्डन, जो कि सबसे पहले खोला गया है केरल राज्य में।
अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बनाया गया है गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला CICET किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? CICET जिसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केंद्रीय रासायनिक अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये खोला जाएगा गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की है? तो भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बनाया गया तेलंगाना राज्य में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उस जिले का नाम क्या है, तो भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले का नाम है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, 100% सौर रसोई वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो 100% सौर रसोई वाला भारत का पहला गांव बना है बांचा मध्य प्रदेश। इसका मतलब क्या है? तो बांचा गांव में जितना भी किचन है, रसोई है, यहां पर ना तो LPG यूज किया जाएगा अब, ना तो CNG यूज किया जाएगा, ना तो लकड़ी यूज की जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इसी का नाम दिया गया है 100% सौर रसोई वाला भारत का पहला गांव, जो कि बना है बांचा मध्य प्रदेश। 100% सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी असम। 100% सोलर पावर से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है कोची एयरपोर्ट केरल। और 100% दिन के समय सोलर पावर से चलने वाला शहर बना है दीव, जो कि दमन एंड दीव का शहर है। अगला क्वेश्चन, गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना है? तो उत्तर होगा गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कोलकाता शहर में। जो भारत का पहला रोगाणुरोधी यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध शोध केंद्र है, ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का पहला एंटीबायोटिक प्रतिरोध शोध केंद्र है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम किस देश में बना है? तो दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम यानी कि पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय बनाया गया है जॉर्डन देश में। इसमें क्या होगा? इसमें मिलिट्री के जितने भी साजो सामान हैं उनको रखा गया है, जो कि एक पर्यटक को रोमांच यानी कि आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। जॉर्डन देश से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जॉर्डन देश की जो रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर है, इन्होंने इस साल जो पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, इनको मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया है। मध्य भारत का पहला सिख म्यूजियम बनाया गया है रायपुर में, जिसका नाम है श्री गुरु तेग बहादुर सिख म्यूजियम। दुनिया का पहला चैतन्य प्रभु को समर्पित म्यूजियम बनाया गया है चैतन्य महाप्रभु म्यूजियम, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि नेशनल वार मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यू की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी उत्तराखंड राज्य में, जहाँ पर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी तथा योग के संदर्भ में रिसर्च यानी कि अनुसंधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में बना है। मेट्रो स्टेशन जो थे ऑलरेडी भारत में अंडरग्राउंड थे, लेकिन जो रेलवे का स्टेशन था अभी तक अंडरग्राउंड नहीं था, ये पहली बार बनेगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन टू बी कम इन हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM लगाया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वोटर पार्क किस शहर में बनाया गया था? तो भारत का पहला वोटर पार्क बनाया गया था गुरुग्राम हरियाणा शहर में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जनरल इलेक्शन 2019 में वोटर्स को एजुकेट करने के लिए तथा वोटर्स को वोट डालने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का पहला वोटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा शहर में बनाया गया था। गुरुग्राम से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ये क्या चीज़ है?
तो जो हाइपर लूप ट्रेन है एक बुलेट ट्रेन का प्रकार है जिसमें चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है, जिसके तहत खंभों पर यानी कि एलिवेटेड इस प्रकार के खंभे होंगे, उसमें पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाएगी जिसके अंतर्गत बुलेट ट्रेन की शक्ल की 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रेन है दौड़ेगी, इसी का नाम दिया गया है हाइपर लूप ट्रेन। ये सबसे पहले दुनिया में बनाई जाएगी महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से पुणे के बीच। मुंबई से पुणे के बीच की दूरी है 150 किलोमीटर, लेकिन जो बुलेट ट्रेन ये हाइपर लूप ट्रेन है मात्र 35 मिनट में इसको कवर कर लेगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है ये कहाँ पर बनेगी, तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन बनेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच, जिसको बना रहा है जापान देश, और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेलवे स्टेशन पर फन जोन कहाँ स्थापित किया गया है, तो पहली बार फन जोन स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। फन जोन का मतलब क्या है, अगर किसी भी यात्री की ट्रेन में विलम्ब है या फिर ट्रेन छूट जाती है तो उसके जो बच्चे हैं इस रेलवे स्टेशन पर फन जोन के अंतर्गत जाके खेल खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इसी का नाम दिया गया है फन जोन, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, रेलवे के पास टोटल जोन थे 17, लेकिन इस साल एक नया जोन बना दिया गया, अब टोटल जोन हो गए 18। तो जो रेलवे का 18वां जोन है ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, इसका नाम दिया गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। तो आपको याद रखना है रेलवे का 18वां जोन बना है जिसका नाम दिया गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे के पास टोटल 18 जोन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन दो शहरों के नाम बताइए जिन शहरों में रेलवे के दो दो या तीन तीन जोन हैं। तो ऐसे दो शहर हैं मुंबई, जहाँ पर सेंट्रल रेलवे है, साथ ही साथ यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है। इसके अलावा दूसरा शहर है कोलकाता, कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे तथा मेट्रो रेलवे, इन तीन रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। गगनयान मिशन जो कि इसरो का मिशन है, जिसके तहत 2021 के अंत और 2022 के शुरुआत तक 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा, तो इसके जो पहली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है इसका बैठक हुई बेंगलुरु शहर में। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस देश ने दुनिया का पहला बायोमेट्रिक सिफर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि BSID को लॉन्च किया है, तो BSID को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। BSID क्या है, तो BSID जो है ये बायोमेट्रिक का एक एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें चेहरे की बायोमेट्रिक तकनीकी से तस्वीर ली जाएगी, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आयरिस संबंधी यानी कि आँखों का भी उसमें फोटो लिया जाएगा, जो कि बायोमेट्रिक से कहीं ज़्यादा सुरक्षित और एडवांस है। यही है BSID जो कि सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो भारत का पहला शिखर सम्मेलन 2019 में देहरादून शहर में आयोजित किया गया, जो कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब के मोहाली शहर में, जिसको बनाया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला UPI एकीकृत व्यापक वित्तीय सेवा ऐप कौन बना है, तो एकीकृत व्यापक वित्तीय सेवा ऐप का मतलब है यहाँ पर कॉमर्शियल डीलिंग भी होगी, साथ ही साथ जो पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक लोग भी यहाँ पर UPI से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ये ऐसा पहला ऐप है ET Money। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो कोटक महिंद्रा का UPI है, इन्होंने ये बोला है कि जो कोटक महिंद्रा की UPI यूज़ करेगा उससे हम शुल्क लेंगे, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला UPI बना है। अगला क्वेश्चन, व्यापारियों के लिए भारत में पहला UPI बही खाता किसने लॉन्च किया है, तो UPI बही खाता लॉन्च करने वाला भारत का पहला ऐप बना है भारत पे। भारत पे ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान, फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक संस्था है। अगला क्वेश्चन,
भारत का पहला हिमालयी राज्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड के मसूरी शहर में। इसमें क्या होगा, तो हिमालयी राज्यों से जितने भी रिलेटेड राज्य हैं भारत के, उन सब की जो प्रमुख चर्चाएं हैं, प्रमुख समस्याएं हैं, उन पर चर्चा की गई है भारत के पहले हिमालयी राज्य सम्मेलन में। इसमें भारत के जितने भी हिमालय राज्य से जुड़े हुए राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस आयोजन में पार्टिसिपेट किए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको किसने हरी झंडी दिखाई? तो भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन है जो कि चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो तेजस एक्सप्रेस है इसको चलाया जा रहा है IRCTC के द्वारा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के द्वारा भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चलाई गई है, तो भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी की के बीच। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका पहले नाम था ट्रेन 18, अब इसका बदल कर नया नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जो ट्रेन 18 है इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए प्रथम पर्यटक रेल सेवा लॉन्च किया है? तो आर्कटिक क्षेत्र के लिए प्रथम पर्यटक रेल सेवा लॉन्च की गई है रूस देश के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है जार गोल्ड ट्रेन। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया गया है जर्मनी देश के द्वारा। तो ये थे हमारे 2019 में पहली बार में क्या हुआ भारत में और दुनिया में, इससे पार्ट वन। इसका जो पार्ट टू है आपको रिसेंट कल या परसों मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।